नशे हो गए क्या तेरे को? सुन रहा है दोस्त, अगर हम दारू की बोतल छू देते हैं ना तो हमने बोतल झूमने लगती है, ऐसे नशीले पदार्थ हैं। ओके तो परेशान क्यों है? अरे वो तो इसलिए यार, मम्मी कह रही थी अंग्रेज रेज मैरिज कराएंगे। अरेंज मैरिज? हाँ वही। क्यों अरेंज क्यों? अरे कि तेरे को सोफिस्टिकेटेड लोकेटेड लड़की मिल जाएगी उससे। सोफिस्टिकेटेड भाई? तो मैंने क्या बोला बॉस? सोफिया इज लोकेटेड। अच्छा ये ले, फिर फोन आ गया, फिर कहेगी कर ले शादी। तुम समझाओ यार प्लीज। नमस्ते आंटी, क्या जरूरत है अभी शादी करवाने की? 3-4 हजार रुपए में मंगवा लेते हैं हम अभी उसमें। तू है क्या यार? आर यू इवन ह्यूमन? यस आई एम। आई डोंट बिलीव सो। भाई तू बात कर रही हो? आंटी नमस्ते, ऐसी लाना मतलब हम दोस्तों का भी मन लगा रहा है, आप समझ रही हो ना? वो थोड़ा मैं खुद बात कर लेता हूँ। ओके माँ, मुझे नहीं करनी है शादी यार। लड़की का जो बाप है उसका बहुत बड़ा ठेका है। अच्छा माँ, मेरी शादी करवा दे माँ, कब तक कुवारों की तरह भटकूंगा मैं कुत्तों के साथ। मेरी तरफ से हाय माँ। और माँ, हमेशा लड़कियां ही क्यों आती है ससुराल, क्या उनकी फीलिंग नहीं होती? इस बार दामाद जाएगा, मेरी तरफ से हाँ कर दो। मेरे को मेरे सपनों का ससुर मिल गया।